नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको टॉप 10 फोटोज ऑफ द वीक के बारे में बताएंगे। पहली जिस तस्वीर की हम चर्चा कर रहे हैं, ये तस्वीर कनाडा के ओंटारियो की है। स्लो साइक्लोन के बाद यहाँ पोर्ट से लेकर घर तक बर्फ से ढक चुके हैं। क्रिसमस के बाद से ही अमेरिका और कनाडा का ठंड की वजह से बुरा हाल है। पिछले कई दिनों से तापमान -30 या -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर फ्रांस के केरगुएलन द्वीप की है, जहां पर एक एलिफेंट सील सर्दी में धूप का आनंद ले रहा है। केरगुएलन द्वीप एक रिमोट एरिया है, इसलिए यहां की आबादी काफी कम है। वहीं एलिफेंट सील की बात करें तो यह अपनी जिंदगी का लगभग 80% हिस्सा समुद्र में बिता देते हैं, और जब ये समुद्र से बाहर आते हैं तो एक ही दिन में करीब 100 किलोमीटर की दूरी बड़े आसानी से नाप लेते हैं। अगली तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है वो तस्वीर इंग्लैंड के लंदन की है, जहां ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज में इन दिनों प्रदर्शनी लगी हुई है। इसी के पेंटेड हॉल में कलाकार ल्यूक जेरम की मून का संग्रहालय नाम से लगी प्रदर्शनी को लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो अगली तस्वीर है वो स्पेन के एलिफेंट शहर की है, जहां हाल ही में फूड नाइट फेस्टिवल मनाया गया। इस फेस्टिवल में होता क्या है, इसमें प्रतिभागी आटे की बोरी और अंडे लेकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। ये परंपरा करीब 200 साल पुरानी है। इस फाइट में 20,000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेते हैं, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा अंडे और 6 किलोग्राम से भी ज्यादा आटे का इस्तेमाल किया जाता है। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर फ्रांस के ला गेसली पार्क की है, जहां एक मछली पकड़ने वाली मकड़ी डोलोमेडेस का एक स्कल्पचर रखा हुआ है। इस स्कल्पचर को फ्रांसीसी कलाकारों के द्वारा ही बनाया गया है। इस हफ्ते की जो अगली चर्चित तस्वीर है वो चीन के सिनुआंग प्रांत की है, जहां नए साल से पहले पांडा शावकों का सालाना चेकअप किया गया। पांडा चीन का सबसे मशहूर जानवर है, जिसे देखने के लिए विभिन्न देशों से पर्यटक आते हैं। अगली जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं वो तस्वीर इंडोनेशिया के बाली स्थित पूटा बीच की है, जहां एक मुहिम के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सुपर हीरो की ड्रेस पहने एक शख्स सफाई कर रहा है। यह अनोखा तरीका लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के साथ ही साथ बेहद रोचक नजर आ रहा है। इस अभियान के तहत संदेश दिया जा रहा है कि लोग समुद्री तटों पर कचरा ना फैलाएं। अगली तस्वीर की बात करें तो तस्वीर 3 बार के विश्व कप विजेता पेले की है। पेले के सम्मान में उनके गृह नगर ट्रेस कोराकोस में उनका स्टेचू लगाया गया है। गौरतलब है कि एक हफ्ते पूर्व पेले का गुरुवार को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वह 2021 से पेट के कैंसर सहित अन्य कई बीमारियों से जूझ रहे। अगली चर्चित तस्वीर की बात करें तो ये तस्वीर यूक्रेन के बखमुत की है। 2022 खत्म हो गया है पर युद्ध अब भी जारी है। रूस से चल रहे युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके कई शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और शहरों में अब सिर्फ खंडहर हो चुकी इमारतें और बमों के खाली खोल ही नजर आ रहे हैं। बात करें इस सप्ताह की 10वीं सबसे चर्चित तस्वीर की, तो ये तस्वीर चीन के झेंगो शहर की है, जहां कोहरे के बाद एक 200 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई गाड़ियां जो रुकी उन्हें पीछे से टक्कर लग गई। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप 10 फोटोज ऑफ द वीक की बात। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।